Decide if x to the power 4 plus 5 is irreducible in Qx or not. Further check whether x to the power 4 plus 5 bar is irreducible in Z5x or not. तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को चेक करते हैं कि यह Qx में इरेड्यूसिबल है या नहीं है। x टू द पावर 4 प्लस 5 हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस 0 इनटू x क्यूब प्लस 0 इनटू x स्क्वायर प्लस 0 इनटू x प्लस 5। अब हम यहां पर आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी को लगाते हैं। यहां पर ए नोट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए नोट यानी कांस्टेंट टर्म 5, फिर यहां पर ए 1 क्या दिया हुआ है 0, ए 2 क्या है 0, फिर ए 3 भी क्या है 0, ए नोट ए 1 ए 2 ए 3 और ए 4 क्या दिया हुआ है हमें यहां पर 1। तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी के अनुसार हमें एक ऐसा प्राइम नंबर P होना चाहिए जो कि A नोट से लेकर A3 तक के जो भी वैल्यू हैं उन्हें डिवाइड करे और A4 को डिवाइड नहीं करे, साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है A नोट को डिवाइड नहीं करे। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तब कहा जाता है कि यह पॉलिनोमियल जो है इरेड्यूसिबल है। तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर यदि हम 5 लेते हैं तो हमें वह सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ 5 को डिवाइड करता है और यहाँ a1 a2 a3 इन सभी को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स 5, इसी तरह से 5 डिवाइड्स 0, यहाँ तीनों में 0 ही है और उसके बाद जा करके 5 does not divide 1 and 5 square does not divide क्या तो 5 therefore x to the power 4 plus 5 is irreducible। इसके बाद आते हैं फर्दर चेक वेदर x टू द पावर 4 प्लस 5 बार इज इरेड्यूसिबल इन z5x और नॉट। तो यहां पर हमें x टू द पावर 4 प्लस 5 बार को z5x में चेक करना है कि यह इरेड्यूसिबल है या नहीं है। तो यहां पर fx इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 5 बार, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यह पॉलिनोमियल Z5 में इरेड्यूसिबल कब होगा इसके लिए हमें यहाँ पर Z5 के एलिमेंट को यहाँ लिख लेना होगा। पहले Z5 के एलिमेंट क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो इरेड्यूसिबल यह तब होगा Z5 में जब इसके किसी भी एलिमेंट को अगर हम x की जगह पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 नहीं आता है, और यदि किसी भी एक वैल्यू पर fx का मान 0 आ जाता है तो यह क्या कहलाएगा, इरेड्यूसिबल कहलाएगा। तो हम यदि यहाँ पर x की जगह क्या ले लें, 0 ले लें, तो यह क्या हो जाएगा, 0 टू दी पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब मॉड्यूलो 5 लगाने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो 0 आने का मतलब है कि यह पॉलिनोमियल जो है Z5 में रिड्यूसिबल है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 5 इज reducible in Z5x। Thanks for watching.